हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स की साइंस की वर्कशीट 11 कर रहे हैं। ये 10 अगस्त के लिए आई है। इसमें हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड ग्लूकोज टू आवर बॉडी। दिस ग्लूकोज इज देन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी टू सपोर्ट द फंक्शंस ऑफ बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन बोथ हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड्स। हेल्दी सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर फूड, ग्रेन्स, फ्रूट्स, कॉर्न्स, बीन्स एटसेट्रा। Unhealthy sources of carbohydrates are pastries, soft drinks, pasta, etc. हमने फूड के बहुत सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स हमें ग्लूकोज देते हैं और ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है और एनर्जी की वजह से हम बहुत सारे फंक्शंस कर पाते हैं। ये हेल्दी और अनहेल्दी सोर्सेज में मिलते हैं। हेल्दी सोर्सेज वो हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं और अनहेल्दी सोर्सेज हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। प्रोटीन इज फाउंड थ्रू आउट द बॉडी इन मसल्स, बोन्स, स्किन एंड हेयर्स। प्रोटीन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी डाइट। द अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड इंडिविजुअल नीड्स डिपेंड ऑन देयर एज। फॉर एग्जाम्पल, पर्ल्स, मीट, फिश, एग, नट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। इट हेल्प्स बॉडी टू रिबिल्ड and repair cells. It is important for growth and development, especially during childhood and adolescence and pregnancy. Protein भी हमारी body के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे muscles, bones, skin और hair बने होते हैं। सभी individuals के लिए अलग अलग age में अलग अलग amount के protein की ज़रूरत होती है। इससे हमारी बॉडी की बिल्डअप होता है, रिपेयर होता है। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए स्पेशली ज़रूरी है। इसलिए बच्चों, चाइल्डहुड में आपको ये प्रोटीन ज़रूर लेने चाहिए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हैं और आप यहाँ पे पिक्चर्स भी देख सकते हैं। यहाँ पर दिए गए पिक्चर्स हैं कार्बोहाइड्रेट के और इधर हैं फिश, नट्स, ये सभी हैं प्रोटीन के सोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनहेल्दी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अनहेल्दी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज पेप्सी, कॉर्न, बनाना और वीट। दीज आर हेल्दी सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीन। प्रोवाइड्स ग्लूकोज टू बॉडी। दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीन। Important for growth, builds and repair cells and found throughout the body. These are the functions of protein. Question number 2, state whether the following statements are true or false. यहाँ पर हमें जो statement दी गई इनको true या false में categorize करना है। Protein is important for development during childhood. True. Childhood में तो protein की ज़रूरत होती है, इसलिए true है। सेकेंड है, ऑल सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर गुड फॉर बॉडी। दिस इज फॉल्स, क्योंकि कुछ सोर्सेज कार्बोहाइड्रेट के अनहेल्दी होते हैं। 3, इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल एज ग्रुप्स नीड द सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन। नहीं, अलग अलग एज के इंडिविजुअल को अलग अलग अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए होता है, इसलिए ये फॉल्स है। प्रोटीन इज फाउंड ओनली इन सेलेक्टिव पार्ट ऑफ द बॉडी। ये भी रॉन्ग है, क्योंकि प्रोटीन बॉडी के सभी पार्ट्स में मिलता है। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।